यार अर्जेंटीना में मैराडोना को उतनी रिस्पेक्ट मिलती है मेसी uh, को उतनी मिलती है जितनी मैराडोना को मिलती थी तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अर्जेंटीना का जो प्यार है मेसी के लिए वो विद द न्यू जनरेशन कमिंग इन दे लव हिम इवन मोर बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट साइड ऑफ अर्जेंटीना एंड दे वांट हिम टू विन द वर्ल्ड कप एंड वही जो बात है कि इस वक्त कोई ये नहीं कह रहा कि अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीतेगी जो इंडिविजुअल की बात होती है इस वक्त सब कह रहे हैं लेट्स डू दिस फॉर मेसी इट्स लाइक द कंट्री एंड द फैंस एंड द प्लेयर्स थिंक दैट वी ओ हिम उसकी वजह यह है कि 2018 के वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन स्टेज में तेरह गोल इन थर्टीन गोल्स टू गेट टू द फाइनल जिन तेरह गोल की वजह से अर्जेंटीना पहुँचा तेरह के तेरह गोल या मेसी ने किए थे या मेसी इन्वॉल्व थे विदाउट मेसी दे वुड नॉट है टॉप फोर इन साउथ अमेरिका की क्वालिफिकेशन अच्छा एमर जो ये यह यहाँ पर एक बात की ना दिस दिस हैजीन अ क्लेर शिफ्ट जो हमने वाकई में दो से ज़्यादा देखा अर्जेंटीना में क्योंकि मेसी बहुत छोटी उम्र में चले गए बार्सलोना काफ़ी हद तक वो उन पर भी तनकीद होती है ये वाली बात कि मैराडोना तो वॉज द प्लेयर ऑफ द पीपल और यू वॉज़ फ्राम आस जबकि यू वेर और तो वो एक डिसकनेक्ट सा आपको हर क्रिटिसिज्म में वो एक डिसकनेक्ट सा फ़ील होता था मैसी से रिलेटेड लेकिन आई थिंक जितनी ओनरशिप अब लेनी शुरू की है आई थिंक ये और उसके अंदर अब मैराडोना का भी आखिरी जो Uh, कुछ साल थे उसमें भी जिस किस्म की स्टेटमेंट मैराडोना ने भी मेसी के हक़ हाँ में दी थी दे प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल सो आई थिंक द नैरेटिव नाउ इज आई थिंक पहले द इज आल्सो यू नो एसोसिएटिंग टेकिंग ओनरशिप देशन विद एक चीज़ मैं आज पढ़ रहा था अर्जेंटीना uh, के किसी एक राइटर ने लिखा था उन्होंने कहा था कि जो ये सबसे बड़ा बदलाव आया है 2014 के वर्ल्ड कप से शुरू होते हुए दो कोपा अमेरिका के फाइनल्स लगातार रहा है तीन लगातार फाइनल हारे थे मेरे ख़्याल में दो साल के अंदर तो उसके बाद से जो मेसी के ऊपर नज़र आता था क्या गुजर रही है तो उस उ, 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 उस मुशनफ़ के मुताबिक अर्जेंटीना में काफ़ी लोगों का रवैया उस वजह से बदला क्योंकि एक बात यही है कि इतना तेरह पंद्रह साल का इनका करियर है उस दौरान में मेसी ने बेहद मुस्कुराहटें दी हैं दुनिया भर में बहुत सारे लोग उनको देख के मुस्कुराए मगर मैसी खुद बहुत कम मुस्कुराते हैं और अक्सर जो उनकी मुस्कुराहट जो उनकी मुस्कान अर्जेंटीना की जीत की खुशी में होती है वो अब कभी और नहीं नज़र आती जो पिछला कोपा था उसके फाइनल में था या कल रात को जब दूसरा गोल हुआ है अपने गोल पर तब भी अगर आप उनकी रिएक्शन देखें तो आ, किसी ने आ, क्या था कि वो क्या नाम है टा टारडी हाँ टार बयासी के जो फाइनल में जिन्होंने गोल स्कोर किया था कि जिस तरीके से वो जंगली तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे ऑलमोस्ट वैसी सेलिब्रेशन थी मगर जब दूसरा गोल हुआ था जब वहाँ पे मेसी के अंदर आपको एक मुस्कान दिखाई दे रही थी और आई थिंक ये जब अर्जेंटीना में जो गुफ्तु यही चलती है कि जब लोगों को ये एहसास होने लगा कि कितना बोझ ही अपने कंधों पर लेके चल रहा है इस मुल्क का तब लोगों ने उसको एम्ब्रेस करना शुरू किया